Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसो कल्याण भोसगे फंक्शन हॉल में पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से ईद उल अजहा को लेकर एक पीस मीट की गई। 1 अगस्त 2020 को आने वाले ईद उल अजहा को लेकर ये मीटिंग की गई, जिसमें बी नारायण राव MLA, तहसीलदार सावित्री सालगर, CPI नामे गौडरू, PSI सुनील कुमार, XCMC प्रेसिडेंट मीर अजहर अली नवरंग के अलावा बसो कल्याण मुस्लिम कमेटी के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। इस पीस मीट में बताया गया कि ईद की नमाज ईदगाह पर नहीं होगी। ईद की नमाज अपने अपने एरिया के मस्जिदों में पढ़ने को कहा गया और कहा कि 50 लोग ही एक टाइम पर मस्जिद में नमाज पढ़े सोशल डिस्टेंस के साथ। इस ईद में संडे फुल लॉकडाउन रहेगा, कोई शॉप ओपन नहीं रहेगा। सरकार का जो आदेश था वो सबको अपने पालन किए है और अच्छी तरह से रमजान मनाया। ऐसे ही तरह आप बकरी को भी ऐसे ही अच्छा तरह से करके खत्म कीजिए। इसके लिए सरकार ने थोड़ा रूल बनाया है। लास्ट टाइम रमजान को नमाज पूरा घर में करना चाहता था, लेकिन इस बार नमाज तो ईदगाह में नहीं होगा, लेकिन आप सब मस्जिद में कर सकते हैं। और ये बकरीद के लिए आपको 1 तारीख को परमिशन दिए है। अगस्त पहला दिन का यूपी में दिए है, लेकिन आप हमारा दूसरा यूपी छोड़ के दक्षिण कन्नड़ छोड़ के बाकी को अगस्त 1 को करने के लिए परमिशन दिए है। उसमें आप मस्जिद में सीक्वेंस वाइज 100 वाइज 50-50 आदमी एक बार आके कर सकते हैं और 6 फीट का डिस्टेंस डालना है। और जो भी आप उतार के नमाज करते हैं वो आपको आपका घर से लेके आना और सैनिटाइजर मास्क पर डाल के करना है और किसी भी हक नहीं करना चाहिए। ये सब रूल्स है। BK Mart, बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग फॉर बसव कल्याण। MS स्माइल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रॉली, एक्सेल एंड डिस्क। जंगली सुअरों ने मचाई तबाही, जिससे किसान है परेशान। बसो कल्याण तालुका के उमापुर, मोरखंडी, तलबुक के अलावा नीलकंठवाड़ी जैसे गाँव में जंगली सुअरों ने खेत में लगाए गए फसल जैसे गन्ना, मक्के को तबाह कर रहे हैं। किसान काफी परेशान है। उमापुर गांव के महमूद मियां अपने 2 एकड़ खेत में गन्ने की फसल लगाई थी। इन जंगली सुअरों ने 1 एकड़ गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे महमूद मियां को 60 से 70 हजार का नुकसान हुआ है। अरे उनका रिक्वेस्ट है, और जो है ये जानवर बहुत बुरा काम करके छोड़े। पूरा मेरा 1.5 एकड़ 2 एकड़ गन्ना था, जागी 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 जो है सब पूरा पार कर दिए साहब। और देखने की जो है ये हमारे बहुत तबाह करें, रात में आपको सोने तो भी माननी है नहीं, जो है पूरा तबाह करके छोड़ दिए। आप कुछ तो नहीं करते, 4-5 गाड़ी गन्ना नुकसान करे और हमारे को जो है पूरा रहने देते हैं। क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या क्या है? एक एकड़ हमारे गन्ना पूरा खलास करें। अब 2 एकड़ था गन्ना, 1 एकड़ पूरा पार करें कुछ भी नहीं के साथ। देखो तुम आपको यहाँ पूरा जो है हमारा जो है जिंदगी जिसको है, क्या करेंगे हम, खाने को इसमें होता नहीं। आप सरकार है तो वही उमापुर गांव के और एक खेत में 1 एकड़ मक्के को भी किया बर्बाद। कखा को पार करें साहब, हमारा रात में पूरा कुछ नहीं रखे, क्या हमें रहना क्या नहीं, ये खेत में क्या वो करते फिर ना पूरा नुकसान करके छोड़ रहे, नुकसान करके रखे क्या क्या नहीं रखे। इसके अलावा मोरखंडी के हनुमंत विठल राव के 2 एकड़ गन्ने के खेत को भी जंगली सुअरों ने किया बर्बाद, जिससे किसान काफी परेशान है। रात्रिंदिवस बाबा, रात्रिंदिवस किती जाव शेता, लाइट रहे ना रात्री, अरे डुकर खाऊन चाल माणसं का खावा, हे गवर्नमेंट ने कसं कळणार रात्री लाईट लावणार, कुठं द्वार दिसना, कुठं लाईट दिसना काय नाही,
ये हनुमंत माने यांचं तळबोग शेत आहे पुरा हाय 2 एकर ह्याच्या मी पारच करायला आले सगळं अजून लई मोठे हो अजून लई मोठे मध्ये पार केले सगळं पार हो साहेब जरा बघा ओके इकडे हो साहेब अहो तार मारला तर मी यायला लागले हो बाबा आता का सांगू बघा होता 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 बघा तुम्ही होता तिथे मध्ये लिहि आहे होते मध्ये ढिगारा पडले अजून बाहेरल्यामध्ये गोळा केले गाडीवर काय खावावन काय ठेवा बाबा काय करणार आम्हाला आता आज कसे। किसान ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इन जंगली सुअरों से हमारे खेतों को बचाएं। ट्वालियन से इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जंगली सुअरों का जरा क्या तो भी करे तो जरा इंतजाम अच्छा होता है। खेतों वाले हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, कुछ आनी नहीं दे रहे पीक खेत में। क्या सोयाबीन डाले इसी गन्ना डाले इसी रतालू डाले इसी हर चीज जो भी कुछ डाले वो पीक आनी दे रहा ही नहीं जरा भी। सब हमारे खेत सब नुकसान कर डाले हैं जंगली डुक्कर इनको कुछ तो करो। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।